I'm not fucking stupid. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली आज मैं किसी मोबाइल फोन का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी मोबाइल फोन के ऊपर जो है मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ। आज मैं अपने चैनल पे जो है पहली अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। कैसा है कि मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और ये सीधी सी बात है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आप लोगों मुझे अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो एक छोटा सा गिव अवे मैं करूं। तो इसी वजह से मैंने एक हेडफोन परचेज किया है, एक ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन परचेज किया है और मैं इसका गिव अवे करना चाहता हूं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि पहले मैं जो है इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका रिव्यू करूंगा, इसके बारे में मैं अपने इंप्रेशन आपको दूंगा और उसके बाद में जो मैं है गिव अवे का आपको नियम बता दूंगा कि क्या रूल है जिसको फॉलो करके आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने जो हेडफोन परचेस किया है ये विंग कंपनी की तरफ से आता है। इसके साथ में कुछ और भी रीज़न है कि मैंने इसी कंपनी को क्यों चुना, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करूंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे चैनल की पहली अनबॉक्सिंग है, अनबॉक्सिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे जज मत करिएगा। मैं धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को जो है इम्प्रूव कर लूंगा, बस आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। तो ये प्रोडक्ट मैंने जो है अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो ये इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है। वो जो आपको जो है थोड़ा सा फेड लग रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट आने के बाद में हम प्रॉपरली इसको सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइजर यूज करने की वजह से जो है वो फेड लग रहा है। अब आप पैकेज देख सकते हैं, पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, मैंने देखा था, मतलब और उसके बाद में हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऊपर का जो है प्लास्टिक हमें निकालना पड़ेगा। तो चूँकि पैकेजिंग अच्छी है इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप खुद भी देख सकते हैं ये पॉलीथीन हमने अलग करी है। अब आप देख सकते हैं प्राउडली डिज़ाइंड इन इंडिया, सो बेसिकली ये इंडियन कंपनी है। और तो इसकी वजह से भी मैंने खासकर इसको फाइनलाइज किया। और भी कुछ इससे रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आगे बताता हूँ, पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि खोलने में भी इसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ मुझे, जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद में जो है मैं इसको ओपन कर पाया हूँ। पैकेज को आप ओपन करते हैं तो अंदर एक जो है प्लास्टिक का ट्रे जैसा मिल जाता है जिसमें कि आपको हेडफोन रखा हुआ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हेडफोन के साथ में आपको एक अलग से और भी पैकेज मिलता है बॉक्स में ही, जिसमें जो है एक यूज़र मैनुअल होता है और जो कि ऑब्वियसली कोई भी पढ़ता नहीं है। और इसके साथ में एक कार्ड और भी मिल जाता है जो बेसिकली गारंटी कार्ड होता है। और इसी के साथ में आपको जो है एक USB केबल भी मिल जाता है हेडफोन को रिचार्ज करने के लिए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं अगर आप बाद में, अगर आपका ईयर टिप जो हेडफोन के साथ में आता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो बाद में उसको यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली जो है बॉक्स कंटेंट यही था, आपने देख लिया। अब हम हेडफोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो है अनबॉक्सिंग में आपने देख लिया है हेडफोन को, एक बार फिर से सारी चीज़ों को मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मालूम ही है कि ये एक नेकबैंड होता है, नेकबैंड को आपको जो है ऐसे यूज़ करना पड़ता है, आपको इसे गले में डालना पड़ता है और आपको ये राइट और लेफ्ट वाला जो ईयर टिप्स होता है दोनों को आपको इस तरीके से लगा लेना होता है। अब हम अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, सो बेसिकली मैंने जो कलर सेलेक्ट किया है ये ऑलिव ग्रीन करके कलर आता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही आप इसको अपने हाथ में लेंगे ना, तो मतलब ये बेसिकली मैट फिनिश के साथ में आता है और बहुत ही सॉफ्ट टच है, बट है ये हार्ड प्लास्टिक, लेकिन आपको फील होगा कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है लेकिन है ये हार्ड प्लास्टिक। और अगर आप इसे देखेंगे राइट साइड का जो ये पार्ट है, अगर आप इस पर देखेंगे ना, तो शायद आप देख पा रहे होंगे, मे बी आप दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत ही लाइटली लिखा हुआ है, विंग्स लिखा हुआ है, बेसिकली कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ में आपको ये जो है तीन पॉइंट मिल जाते हैं, सो बेसिकली एक प्लस का पॉइंट है जिससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, एक माइनस का पॉइंट है जिससे आप जो है वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बीच में एक पॉइंट है जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप खुद भी देख सकते होंगे कि बेसिकली इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने जो है एक स्क्रू लगा के दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्क्रू लगा के दिया हुआ है। सो बेसिकली इसकी वजह से ही जो है ये प्रोडक्ट काफ़ी मुझे ड्यूरेबल लगा। और वायर की बात करें तो वायर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में चूंकि ये नेक बैंड है और वायर्स हैं, तो मतलब फिक्स रहे आपके गले में, उसके लिए जो है ये
मैग्नेटिक फीचर के साथ में भी आता है, ये इस तरीके से जो है अटैच हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इसके साथ में भी मेरे कुछ और भी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको क्यों चुना, इसके कुछ रीजन से मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले मैंने स्कल कैंडी, पोट्रोनिक्स, बोल्ट और बोट का, ये चार कंपनियों के मैंने हेडफोन यूज किए थे। मेरे पास JBL का भी है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक इन्फिनिटी का भी हेडफोन है, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली ये इन्फिनिटी का है, और ऐसा नहीं है, इसके साथ में भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन कैसा है कि मुझे ये उतना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कुछ ही दिन में जो है ये आप देख रहे हैं, मुझे टेप लगा के इसको यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्रैक हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और जहाँ तक स्कल कैंडी और दूसरे ब्रांड की बात करूं तो उसकी साउंड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसकी वजह से मैंने इसको ट्राई करने के लिए सोचा। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने इसको यूज़ भी किया है, यूज़ करने के बाद में बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट है इसका। तो उसके बाद में जब ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ भी किया ना, तो मुझे बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी लगी। आप किसी भी टर्म के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे इसके बेस के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा बेस है इसका, साउंड बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आता है। आपको जो भी गाने वगैरह अगर आप सुनते हैं, तो जो भी उसमें टोन वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर सुनाई देती हैं। और जो लिरिक्स वगैरह की बात करें, बेसिकली वोकल जिसको हम बोलते हैं, वोकल साउंड भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। सो बेसिकली मुझे इसके साथ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो ऑलरेडी मैंने 2-3 ब्रांड यूज़ किए थे, लेकिन उसका मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इसकी वजह से मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए इसको मंगाया था। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने कहते ना कि अंदाज़ा मारा था, और वो अंदाज़ा मेरा सही निकल गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये प्रोडक्ट। मैं आप लोगों को भी इसे रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप भी फ्यूचर में इसे लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि आप इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, ये हर पॉइंट पे खरा उतरता है। इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है। जहाँ तक प्राइस की बात है, ये प्रोडक्ट जो है मुझे 1199 रुपये का मिला है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। अब हम इसके गिव अवे की बात करते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं एक हेडफोन का गिव अवे करना चाहता हूँ। तो बेसिकली इसके जो नियम है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा नियम है। आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में एक जेन्युइन कमेंट करना है। और उसके बाद में मुझे जिसका भी कमेंट पसंद आएगा, 5 अगस्त के दिन में उसके कमेंट को जो है मैं पिन कर दूंगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएंगे कि कौन इस प्रोडक्ट का विनर रहा है, और उसके बाद में मैं उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके उनका एड्रेस लेके ये प्रोडक्ट जो है उनको डिलीवर कर दूंगा। तो यही गिव अवे का नियम है। उम्मीद करता हूँ अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी, प्रोडक्ट का रिव्यू भी आपको पसंद आया होगा। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट है, प्राइस रेंज भी बहुत ही अच्छी है, और हर तरीके से मतलब वर्थ है इसको परचेस करना। चाहे आप इसके साउंड क्वालिटी की बात करें, चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करें, गारंटी आपको 1 साल की मिली रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि एंट्री डन करके जो है आप प्लीज़ कमेंट में ऐड मत करिएगा। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना कर लीजिएगा। जो भी विनर रहेगा 5 अगस्त के दिन में, एंड ऑफ द डे मैं जो है उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, तो उनको बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि विनर कौन है, और मैं पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट करके उनका एड्रेस लेके जो है उनको ये प्रोडक्ट कुरियर कर दूंगा। तो बस इतना था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।